सानी इंटरनेशनल हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़ान की रिवायत बुखारी में हजरत से नकल किया कि मैंने हजरत को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन अफजलकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। उसमें लफ्ज मुख्तलिफ है, तुम में सबसे अफजल दो बातें जमा हो गई, बेहतरीन भी वो जो कुरान सीखे या सिखाए और अफजल भी वो जो कुरान सीखे या सिखाए। अफजल इसमें तफजील है, यानी सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला वो है जो कुरान सिखा रहा है। मकतब में कुरान ही तो सिखाया जाता है, तौरात इंजील का दर्स नहीं होता, कुरान सिखाया जाता है। और ये कुरान पाक का सिखाना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए अपने मकाम को भी समझें, जिम्मेदारी को भी समझें। असाज़ा की जिम्मेदारी ये भी है मकतब के बच्चों के साथ नरमी बरतें, मोहब्बत बरतें, उनको मानूस करें, उनके एहसासात का ख्याल रखें, मारे नहीं, ज़्यादा सरजनिश न करें, तकलीफ़ में न डालें। बहुत से हमारे असातिज़ा गफलत बरतते हैं और सज़ा में हद से तजावुज़ कर बैठते हैं। याद रखिएगा, आप उस्ताद हैं, आपका मकाम ऊंचा है, मगर याद रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि क़यामत के दिन आपकी पकड़ नहीं होगी। अगर आप खयानत करेंगे, बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करेंगे, सज़ा देने में हद से तजावुज़ करेंगे, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, कौम के बच्चों को अमानत समझना चाहिए और उन्हें अल्लाह के दीन की राह पर डालने के लिए मेहनत करनी चाहिए।